है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। बारे वफात पर शाही मस्जिद से शुरू हुआ जुलूस, मुख्य रूप से मौजूद रही सीडीओ नेहा जैन। जी हां, चाक चौबंद रही व्यवस्थाएं। पैगम्बर साहब के जन्म दिवस पर लोगों में देखा गया काफी उत्साह। देखा जाए तो साल के 12 महीनों में हर माह कोई न कोई मुस्लिम त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस माह यानी ईद मिलादुन्नबी 12 वफात अन्य त्योहारों से खास माना जाता है, जिसका कारण है यह इस माह की चांद की 12 तारीख को इस्लाम मजहब के बानी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की पैदाइश हुई और इसी रबी उल अव्वल को वे इस दुनिया से रुखसत भी हुए। शहर में आज शाही मस्जिद करबला नई बस्ती से 12 वफात का जुलूस निकाला गया। आज जुलूस मोहम्मदी जो 12 रबीउल अव्वल को निकाला जाता है, ये जुलूस जो आका की आमद पर हम सब मिलकर जुलूस निकालते हैं, जो मोहल्ला कटरा पठानान शाही मस्जिद से लेकर एसएन रोड होता हुआ, सदर बाजार होता हुआ, बगिया मोहल्ला से होता हुआ शाही मस्जिद पर समाप्त होता है। हम अपनी तरफ से आप सब देशवासियों को ईद मिलादुल नबी की मुबारकबाद देते हैं। जिसमें मुख्य रूप से सीडीओ नेहा जैन भी मौजूद रही, प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुरुस्त रही। वहीं यह जुलूस एसएन रोड से गुजरकर नालबंद पर संपन्न हुआ। लोगों में काफी उत्साह भी देखा भी गया, क्योंकि पैगंबर साहब का जन्म दिवस भी था। शहर के मार्गों पर बाइकों पर जुलूस के रूप में पैगंबर साहब के अनुयायी निकले और नालबंद पर जुलूस संपन्न हुआ। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। जुलूस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आज विलादत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसी के सिलसिले में ये जुलूस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहा है शाही मस्जिद कटरा पठानान फिरोजाबाद से शुरू होकर कटरा जैन कोटला बजावर नई बस्ती सदर बाजार होता हुआ बगिया मोहल्ला बगिया मुस्लिमाबाद टीला छपेटी मोहल्ला कोटला होते हुए इसका अख्तिताम शाही मस्जिद कटरा पठानान पर होगा। शाही मस्जिद से होते हुए करबला से होते हुए नई बस्ती से यहाँ नालबंद पे आया रहे और सुरक्षा व्यवस्था पूरी दुरुस्त है और लोगों में बहुत उत्साह है। आज पैगंबर साहब का जन्म दिवस भी है तो जाहिर सी बात है और सब लोग बहुत खुश हैं कि यहाँ पे जो सुरक्षा इंतज़ाम है वो बहुत अच्छे लेवल का।